नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा लोगों की भलाई के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ, पंजाब में पहली बार बनाए गए दो उप मुख्यमंत्री। पंजाब का सीएम बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने किया ऐलान, कहा किसानों के पानी और बिजली के बिल होंगे माफ। पंजाब भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, का दलित सीएम बनाकर वोट लूटने की रची जा रही है साजिश। पंजाब में दलित सीएम बनाने पर तिलमिलाई बसपा प्रमुख मायावती, का कांग्रेस को दलितों पर भरोसा नहीं, ये चुनावी हथकंडा। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसानों के कल्याण पर दिया जोर, बोले किसानों की समस्याओं को राजनीति से ना जोड़े राजनीतिक दल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले टीकाकरण पर गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए विपक्ष करे आत्मचिंतन। मुंबई के गोरेगांव इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मारा छापा, 5 लाख के ड्रग्स के साथ एक नाइजीरियन को किया गिरफ्तार। स्कूलों को पूरी तरह खोलने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शीर्ष अदालत ने कहा ये तय करना राज्य सरकारों का काम। आजम खान, अतीक और मुख्तार अंसारी की कुंडली खंगालेगी ईडी, पैसों की हेराफेरी के मामले में पूछताछ करने की मिली इजाजत। मानहानि के मामले में अदालत में पेश हुई अभिनेत्री कंगना रनौत, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन पर अब 15 नवंबर को होगी सुनवाई। भाजपा नेता को नजरबंद करने पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, किरीट सोमैया बोले सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में करूंगा अपील। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मची बड़ी तबाही, मजदूरों की झोपड़ियां मलबे में दबी, कर्णप्रयाग मालदम हाईवे बंद। झांसी कानपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग का होगा काम, LTT समेत 16 ट्रेनों को किया गया रद्द, कई का रूट बदला। दिल्ली में जलजमाव से परेशान होकर सड़क पर बैठे मुनका के लोग, रोहतक रोड पर लगा 15 किलोमीटर लंबा जाम। पंजाब कांग्रेस के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सियासी हलचल तेज, आला कमान से मिलने दिल्ली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। कर्नाटक में आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर CCB ने की कार्रवाई, सेना की जानकारी विदेश भेजने के आरोप में एक गिरफ्तार। ब्रिटेन में दोनों वैक्सीन लगवाए, भारतीयों को क्वारंटीन से छूट नहीं, यूके की नई पॉलिसी को जयराम रमेश ने बताया नस्लवादी। रूस की परम यूनिवर्सिटी में छात्र ने साथियों पर ताबड़तोड़ की फायरिंग, 8 की गई जान, बचने के लिए खिड़कियों से कूदे स्टूडेंट। आयकर विभाग की छापेमारी पर पहली बार बोले अभिनेता सोनू सूद, कहा जरूरतमंदों की करता रहूंगा मदद, मेरी कहानी वक्त बताएगा। TMC में आए बाबुल सुप्रियो, आज सीएम ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात, कहा ममता बनर्जी सबसे मजबूत पीएम पद की उम्मीदवार। गुजरात जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद से मिलने पहुंचे ओवैसी, अहमदाबाद के साबरमती जेल प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। राजेंद्र नगर से दिल्ली जा रही तेजस एक्सप्रेस पर उपद्रवियों का पथराव, A5 कोच का शीशा टूटने पर बाल बाल बचे यात्री। यूपी के 2024 माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को टैबलेट देगी होगी सरकार, हर स्कूल को मिलेंगे 10,000 रुपए, योजना पर 2 करोड़ होगा खर्च। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ चीनी नागरिक गिरफ्तार। देश में डेंगू के सबसे खतरनाक स्ट्रेन सीरोटाइप 2 का प्रकोप, संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, का गंगा मैया गड्ढा गैया इनको भी छल गए ठगैया। गुजरात दौरे पर गए सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, का राज्य में हमारी पार्टी लड़ेगी चुनाव, संगठन कर रहे मजबूत। दिल्ली में अगले महीने शुरू होगा पहला जंगली पशु बचाव केंद्र, नीलगाय नेवला बंदर और सरीसृप का किया जाएगा इलाज। नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल दूसरा फरार। एक साल में मुंबई समेत पड़ोसी क्षेत्रों से 150 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त, प्रतिबंधित नशीली दवाओं के कारोबार में 300 से अधिक लोग गिरफ्तार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदू परिवार को दी गई यातना, मस्जिद से पानी भरने पर बनाया गया बंधक। टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च जोखिम श्रेणी में शामिल करने के लिए केंद्र से मांगा जवाब। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चीन अमेरिका के बीच शीत युद्ध की जताई संभावना, बोले दोनों देशों की समस्याओं का अन्य देशों पर नहीं पड़ना चाहिए असर। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले सोशल मीडिया से बाहर निकलकर धरातल पर देखें कांग्रेस के नेता। कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने एक दिन और बारिश होने का जताया अनुमान। सोमवार से 114 शहरों में शुरू हुई JNU प्रवेश परीक्षा, NTA द्वारा 23 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी प्रवेश परीक्षाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में UNGA सत्र को पीएम मोदी करेंगे संबोधित, दहशतगर्द और जलवायु परिवर्तन रहेंगे संबोधन के मुख्य मुद्दे। दिल्ली PM अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले चरम पर बेरोजगारी होने से युवाओं को नहीं मिल रही है नौकरी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने दी सफाई, बोले मैंने नहीं की महात्मा गांधी और राखी सावंत की तुलना। अटलांटिक महासागर में स्पेन के पास फटा ज्वालामुखी, लावा से कई घर हुए नष्ट, हजारों लोगों को निकाला गया बाहर।
राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत पर साधा निशाना, बोले कैप्टन के इस्तीफे के बाद गहलोत को सता रही है कुर्सी की चिंता। कानून मंत्री बृजेश पाठक ने 2022 में भाजपा की सरकार बनने का किया दावा, बोले विधानसभा चुनाव में हिट विकेट आउट होंगे विपक्षी दल। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपा रहा है डेंगू, मेरठ के बिगड़े हालात, मलियाना में डेंगू के 42 मरीज मिलने से हड़कंप। अमेरिकी टॉमहॉक से दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी पर लगेगा अंकुश, ब्रिटेन के बाद ऑस्ट्रेलिया को महाविनाशकारी हथियार देगा अमेरिका। सुरजेवाला ने बसपा प्रमुख मायावती और भाजपा पर किया पलटवार, बोले दलित के बेटे को सीएम बनने से भाजपा के पेट में हो रहा है दर्द। राजस्थान में 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर लगा रेशमा, लाखों परीक्षार्थी के हिस्सा लेने की संभावना को देखते हुए उठाया कदम। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह ने सुदूर इलाके के लिए शुरू की बैंक सेवा, एटीएम से लैस बैंक वित्तीय साक्षरता के प्रति लोगों को करेगी जागरूक। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल संचालक और कर्मचारी में हुई कहा सुनी, आधा दर्जन दबंगों ने मोबाइल संचालक की लाठी डंडों से की धुनाई। कन्नौज के छिबरामऊ में भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने की बैठक, पत्रकारों को दी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।